हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ मलाई घेवर की रेसिपी, जो कि राजस्थान की फेमस है और घर पर आप इजीली बना सकते हैं। आज मैं आपको बिल्कुल सही रेशो और आप इजीली घर पर ढेर सारे घेवर कैसे बना सकते हैं और साथ में इसकी मलाई भी बनाना सिखाऊंगी। तो वेट किस बात का है, जल्दी से मलाई घेवर की रेसिपी को शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं बनाऊँगी चाशनी। चाशनी के लिए मैंने लिया है यहाँ पर 1 कप चीनी, और इसी मेजरमेंट के हिसाब से आप बनाइएगा चाशनी। और 1 कप ही मैंने यहाँ पर पानी लिया है। जैसा कि हमें चाशनी बनानी है एक तार वाली, तो हम इतना ही पानी और इतना ही चीनी लेंगे। चीनी को अच्छे से पानी में घोलेंगे और इसे हम तब तक घोलेंगे तब तक कि जब तक चीनी जो है वो पानी में अच्छी सी घुल नहीं जाती है। और बहुत ही आसान है घेवर घर पे बनाना। अगर आप इसी तरीके से बनाएंगे तो आपके भी घेवर बहुत ही अच्छे बनेंगे। तो लीजिए, एक तार वाली चाशनी बन गई थी। अब यहाँ पर जो है मैंने इसमें डाल दिया है केसर, ताकि बहुत ही बढ़िया चाशनी का रंग भी आएगा और बहुत ही बढ़िया बनकर ये तैयार होगी, बिल्कुल हलवाई वाले जैसे। लीजिए, केसर मैंने डाल दिया है अच्छे से मिक्स करके। अब जो है मैं गैस का फ्लेम ऑफ करने वाली हूँ और इसके बाद मैं अब बनाने जा रही हूँ मलाई। जैसा कि बाजार वाले बनाते हैं, हलवाई वाले बनाते हैं, वो वैसे ही मलाई आज मैं घर पे आपको बनाना सिखाऊंगी। यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है और इसमें मैं ले रही हूँ 1 लीटर फुल क्रीम दूध। अगर आप चाहें तो आप लो फैट वाला दूध भी ले सकते हैं, पर अगर आप फुल क्रीम वाला दूध लेंगे तो बढ़िया बनती है मलाई। तो लीजिए, मैंने 1 लीटर दूध जो है वो पैन में डाल दिया है और इसे अच्छे से जो है हम पकाएंगे दूध को। और इसे दूध को हम तब तक पकाएंगे जब तक दूध जो है वो बिल्कुल रिड्यूस नहीं हो जाता, क्योंकि मलाई जो है वो बिल्कुल थिक होती है, इसीलिए हम दूध को अच्छे से पकाएंगे। तो देखिए, मैंने अच्छे से जो है दूध को रख दिया है हाई फ्लेम पे, और बीच बीच में चलाते भी रहिएगा। तो देखिए, मलाई जो है वो बिल्कुल दानेदार बनके तैयार हो गई है। देखिए कितनी दानेदार जो है मलाई है। अब मैं इसमें डालने जा रही हूँ स्वाद अनुसार चीनी, और उसके बाद इसमें मैं डालूंगी हल्का सा इलायची पाउडर, क्योंकि बहुत ही अच्छा टेस्ट देता है इलायची पाउडर। तो अच्छे से इसको मिलाएंगे। इसके बाद सिर्फ हम 2 मिनट के लिए ही इसे चलाएंगे और उसके बाद गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। इससे ज़्यादा हम मलाई को नहीं पकाएंगे, क्योंकि मलाई जो है वो ठंडी होने के बाद थोड़ी थिक भी होती है। बस इसी स्टेज पे अब जो है हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे जो है मैं निकाल लूँगी एक बाउल में, ताकि अच्छे से जो है मलाई वो ठंडी हो जाए। और अगर आप चाहें तो आप इसे फ्रिज में भी रख सकते हैं जब तक घेवर बना रहे हैं। तो लीजिए, यहाँ पर अब मैं बना रही हूँ घेवर। तो मैंने मिक्सर ग्राइंडर जार में लिया है 1/2 कटोरी देसी घी। देसी घी में ही बनाया जाता है, मेल्टेड लिया है देसी घी। और उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 4 आइस क्यूब्स। इससे ज़्यादा आइस क्यूब्स आपको नहीं डालनी है। अब मैं इसे ग्राइंड करूँगी और बिल्कुल देसी घी को जमा लूँगी। अब मैं आपको जैसे दिखाती हूँ, मैंने ग्राइंड कर लिया है, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, बिल्कुल देसी घी जो है वो जम गया है, बिल्कुल भी कहीं से भी मेल्टेड नहीं रह गया। दिखा भी देती हूँ आपको मैं। देखिए, बिल्कुल जमा हुआ देसी घी है। आपको इतनी हद तक ही ग्राइंडर जार को जो है चलाना है, मिक्सी को, कि देसी घी बिल्कुल जम जाए। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ मैदा। यहाँ पर मैं डाल रही हूँ, अभी पहले मैं सिर्फ 2 चम्मच मैदा डालूंगी और इसे फिर से जो है मैं ग्राइंडर को चलाऊंगी, ताकि अच्छे से जो है देसी घी के साथ थोड़ा मैदा जो है वो मिक्स हो जाए। लीजिए, मैंने चलाया था मिक्सर ग्राइंडर, अब देखिए मैदे के साथ देसी घी थोड़ा सा मिक्स हो गया है। अब मैं आपको दिखा भी देती हूँ, देखिए थोड़ा सा ये हार्ड भी हो गया है। बिल्कुल ऐसे ही करके अब हम इसमें बाकी जो मैदा है वो डालेंगे। धीरे धीरे करके ही मैदा डालिएगा। अब यहाँ पर जो बचा हुआ मैदा है वो मैं सारा इसमें डाल दूंगी, और अगर आप चाहें तो 3 इंस्टॉलमेंट्स में भी डाल सकते हैं। और अब मैं फिर से ग्राइंडर चलाऊंगी और मैं फिर से आपको दिखाऊंगी। देखिए जी, मैंने ग्राइंडर चलाया था और देखिए, बिल्कुल देसी घी के साथ मैदा जो है वो बिल्कुल क्रम्बली हो गया है। और अभी हमें इसे और क्रम्बली करना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर डाल रही हूँ बेसन। बेसन से जो है एक पकड़ आएगी घेवर में, इसीलिए बेसन डाला जाता है। तो यहाँ पर अब मैं फिर से चला रही हूँ मिक्सर ग्राइंडर जार को और मैं आपको दिखाती हूँ कि अब देखिए ये कितना क्रम्बली हो चुका है मिक्सचर। अब देखिए, बिल्कुल जो है ये क्रम्बली हो चुका है, देख पा रहे हैं आप। बिल्कुल ऐसे ही इतना ही क्रम्बली हमें करना है। अब उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ बिल्कुल ठंडा पानी। हमें यहाँ पे गर्म पानी का यूज़ तो बिल्कुल करना ही नहीं है, बिल्कुल ठंडा पानी आपको इसमें डालना है। आपको जितना मिक्सचर बनाना है आप उसके अकॉर्डिंग पानी डाल सकते हैं, वरना आप 2 बारी इंस्टॉलमेंट्स में भी डाल सकते हैं पानी। अब मैं फिर से ग्राइंडर जार को चलाऊंगी और आपको दिखाती हूँ कि कैसा बना है मिक्सचर। देखिए, बिल्कुल पानी वर्गा जैसा ही मिक्सचर बनकर तैयार हुआ है। देखिए, बिल्कुल लम्स नहीं है इसमें,
और जैसा कि मिक्सचर होना चाहिए वैसा ही है। और इसमें अब मैं डाल रही हूँ नींबू। नींबू का रस इसमें इसीलिए डाला है ताकि इसमें ना घेवर में थोड़ी सी क्रिस्पीनेस आए, इसीलिए। तो लीजिए, मैंने चला लिया है मिक्सर ग्राइंडर जार को फिर से, और अब जो है मैं इसे छान लूँगी ताकि इसमें कोई भी लम्स होगा तो वो मिक्सचर में नहीं आएगा। और लीजिए, मैंने सारा ही मिक्सचर छान लिया, और उसके नीचे अब मैंने रखी है क्यूब्स, आइस क्यूब्स। इसलिए रखी है क्योंकि मिक्सचर जो है बिल्कुल भी गर्म नहीं होना चाहिए, इसे बिल्कुल ठंडा ही रखना होता है, इसीलिए मैंने इसमें नीचे आइस क्यूब्स रखी हैं। और अब मैं इसे डाल रही हूँ आइस वाले जो है बॉटल में, जो जैसे कि टमाटो वाली बॉटल होती है ना, उस वाली बॉटल में। और अब मैं इसे डाल रही हूँ, यहाँ पर मैं वनस्पति घी में बना रही हूँ घेवर। तो आपने क्या करना है, अब इस मिक्सचर को डालना है धीरे धीरे करके, आपने कम से कम 7 से 8 बार जो है, या उससे ज़्यादा आप डाल सकते हैं, जब तक इसमें अच्छी एक जाली नहीं आ जाती आपको बिल्कुल तब तक इसमें मिक्सचर डालते रहना है। यहाँ पर मैं बना रही हूँ पतीले में, कोई भी मैंने मोल्ड का यूज़ नहीं किया है, आप इजीली पतीले में बना सकते हैं। बिल्कुल हाई फ्लेम रखिएगा, गैस का बिल्कुल भी लो नहीं होनी चाहिए, और आप इसमें तब तक डालिएगा जब तक ये थोड़ी सी अच्छे से साइडों से ये जाली नहीं ले लेता है, तब तक आप इसे डालते रहिएगा, और इसे बिल्कुल हाई फ्लेम पे ही डालिएगा। और आपको जो है बिल्कुल कोई भी जो है इसमें बनाने की ज़रूरत नहीं है साइड में, जो जैसे कि आपने देखा है हलवाई के एक गोला सा बना होता है, वैसे आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए मेरा जो घेवर है कितना अच्छे से बनकर रेडी हुआ है, देखिए इसका कलर देखिए कितना अच्छा है, और कितनी इजीली मैंने इसे जो है बाहर निकाल लिया है। देखिए इसमें मैंने कोई भी जगह नहीं बनाई थी, अपने आप ही जगह बनी है घेवर में। और अब जो है मैंने इसे जाली में निकाल दिया ताकि इसमें जितना भी ऑयल है वो सब निकल जाए, और देखिए कितना जालीदार बना है मेरा घेवर, कितना बिल्कुल मार्केट वाले जैसे, हलवाई वाले जैसा ही घेवर बनकर मैंने तैयार किया है। अब मैं इसके ऊपर डाल दूंगी चाशनी, गरम गरम में ही आप चाशनी डालिएगा जैसे ही घी निकल जाए। लीजिए अब जो है मैंने चाशनी डाल दी ताकि अच्छे से घेवर में जो है मिठास आ जाए, और ये बहुत ही मीठा बने और रसदार बने। चाशनी मैंने डाल दी है, अब इसमें मैं लगा रही हूँ मलाई, जो कि हमने पहले बनाकर तैयार की थी, जैसा कि मैंने आपको दिखाया भी था, वही मलाई है ये। और अब इसको मैं गार्निश करूँगी कुछ ड्राई फ्रूट्स के साथ, आप अपनी मनपसंद ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, जैसे कि बादाम, पिस्ता भी ले सकते हैं, और आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग काजू भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर बादाम, पिस्ता लिए हैं, और कुछ गुलाब की पत्तियाँ ली है गार्निश करने के लिए। तो लीजिए मेरे घेवर की रेसिपी राजस्थानी स्टाइल बिल्कुल तैयार है, आप भी बिल्कुल ऐसे ही बनाइएगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि रेसिपी कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को एंड तक वॉच करने के लिए, और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, तभी तो आपको मेरे चैनल पर आने वाली लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल पाएगी। थैंक यू सो मच मेरे चैनल से ऐसे ही जुड़े रहने के लिए।